नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत के नए चौदहवें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में उपराष्ट्रपति पद से और जगदीप धनखड़ जी से जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं तो सभी को फुल्ली डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन भारत के चौदहवें नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं तो भारत के चौदहवें नए उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं और जगदीप धनखड़ ने जो है मार्गरेट अल्वा को हराया है तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये जो है एनडीए के सदस्य हैं मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति पद की तो उपराष्ट्रपति पद की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है पैंतीस वर्ष अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है पाँच वर्ष का और भारत का जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति भी होता है राज्यसभा का जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं और उपराष्ट्रपति जी को वेतन कितना मिलता है तो उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है ये मिलता है चार लाख और ये चार लाख वेतन क्यों मिलता है क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको जो वेतन मिलता है ये मिलता है चार लाख अगर बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है तो उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति जी कराते हैं आप लोग याद रखिए राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं जबकि उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये राष्ट्रपति जी कराते हैं और उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा किसको देते हैं तो उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं किसको राष्ट्रपति जी को तो आप सभी लोग ये याद रखिए उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति जी को अगर बात की है अनुच्छेद जो तिरसठ है जो अनुच्छेद तिरसठ है इसमें जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए तो यहाँ से मैंने जो है आपको उपराष्ट्रपति पद से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने बता दिया है आपको अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ नंबर टू उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं मतलब कि इस्तीफा किसको देते हैं तो ये देते हैं भारत के राष्ट्रपति जी को और शपथ ग्रहण कौन कराता है उपराष्ट्रपति जी को तो ये भी राष्ट्रपति कराते हैं तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा अब जान लेते हैं भारत के जो जगदीप धनखड़ बन गए हैं चौदहवें उपराष्ट्रपति तो इनके बारे में फुल्ली डिटेल से मैं बता देता हूँ आपको ये भारत के जो है चौदहवें क्रम के जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे और ये जो है शपथ कब ग्रहण करेंगे तो ग्यारह अगस्त दो को जो है ये उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे अगर बात की जाए इनका जन्म कब हुआ जगदीप धनखड़ जी का तो ये 18 मई 1951 में जो है इनका जन्म हुआ इनका जन्म स्थान कहां है तो ये है किठाना झुंझुनू जिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है ये किस पार्टी से हैं तो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये उन्नीस से ले कर उन्नीस तक जो है लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और जो है जब भारत के प्रधानमंत्री जो है चंद्रशेखर जी थे तभी इनको जो है संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया था ये कब से कब तक थे तो 1990 से ले कर उन्नीस तक इनको दिया गया था अगर बात की जाए राजस्थान के विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे ये तो उन्नीस से लेके उन्नीस तक जो है ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और इक्कीस में जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक जो है इक्कीसवी क्रम के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं जब मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी थी तभी इनका जो है कार्यकाल था 2019 से लेकर 2022 तक और उपराष्ट्रपति पद पत के लिए शपथ कब ग्रहण करेंगे ये तो 11 अगस्त 2022 को जो है उपराष्ट्रपति पद पत के लिए ये शपथ ग्रहण करेंगे तो जगदीप धनखड़ से और उपराष्ट्रपति पद पत से मैंने आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दस फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम